ते जब कोई विचार मन में नहीं रह गया, मैं शुद्ध चेतन हूं यह भाव ही भूल गया, आत्म भाव भावना विनिवृत्ति योग दर्शन का सूत्र है। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, ये भाव भी भूल गया। शुरुआत में आवश्यक है, जब तक जाग रहे हैं तब तक मैं शुद्ध चेतन हूं, ये भाव बनाकर रखना होगा। ये नहीं है कि बस इसका मतलब कि आत्मा है ही नहीं, ये भाव यहां नहीं है। लेकिन जब मन उपस्थित, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं, निर्मल निर्विकार हूं, सत्य कहां से है? मन से। मन वहां उपस्थित है, इसलिए ये सविकल्प है, संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात का अर्थ होता है जाना, जिसे जाना जाए, संप्रज्ञात। प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि, सम अच्छी तरह से, ज्ञात मतलब जाना हुआ, अच्छी तरह से जिसे हम जान रहे हैं वो संप्रज्ञात है, क्योंकि मन है वहां पर। और जब बिल्कुल शांत हो गए, कोई चिंतन नहीं मन में, कोई विकार नहीं मन में, कोई मैं शुद्ध चेतन हूं यह भाव ही नहीं है मन में, यह है असंप्रज्ञात समाधि। योग दर्शन की भाषा में निर्विकल्प समाधि, कबीर की भाषा में यही है सहज समाधि या सहज ध्यान। जहां कोई पकड़ नहीं, बस शुद्ध चेतना मात्र है, मन शांत है वहां पर। असहज तो होता है ना, जहां पकड़ होती है उसमें विभिन्नता रहती है, एक रूपता नहीं रहती, अनेक रूपता होती है। किंतु जब कोई पकड़ नहीं है, जो सहज है, वहां पर एक रूपता होती है, अनेक रूपता गायब। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, मान लो हम लोग यहां इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग कबीर साहब को इष्ट मानने वाले हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो और किसी को इष्ट मान ले। मान लो बड़ी सभा है, उसमें कुछ लोग कबीर को इष्ट मानने वाले हैं, कुछ लोग राम को इष्ट मानने वाले हैं, कुछ लोग कृष्ण को, कुछ लोग शिव को, कुछ लोग हनुमान को, कुछ लोग विष्णु को, कुछ लोग दुर्गा को, कुछ लोग बुद्ध को, अलग अलग इष्ट है सबका। और सभी को ये कहा जाए कि सब लोग आंख बंद करके शांत बैठें और अपने अपने इष्ट की याद करें, तो कोई कबीर की याद करेगा, कोई राम की, कोई बुद्ध की, कोई कृष्ण की, कोई महावीर की, कोई शिव की, कोई हनुमान की, क्योंकि सब अपने अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, तो अलग अलग है यहां सब। लेकिन यह कहा जाए कि सभी लोग अपने मन को बिल्कुल शांत कर दें, कुछ ना सोचें, सारा सोचना बंद, और मान लो सभी लोगों का मन शांत हो गया, मन ने सबके मन ने सोचना बंद कर दिया, बिल्कुल शांत है मन, तो न वहां कबीर रहे, न राम, न बुद्ध, न कृष्ण, न हनुमान, न शिव, न विष्णु, क्या रहा? सिर्फ चेतना मात्र, अस्तित्व मात्र, वहां सहजता होगी, एक रूपता होगी। ये सहज है, सहजता में एक रूपता है, क्योंकि मन ही नहीं है, और मन में पकड़ होती है, पकड़ में अनेक रूपता होती है। तो सारा चिंतन छोड़ करके, सारे विचार छोड़कर अपने आप में शांत हो जाना, ये सहज ध्यान है, सहज समाधि। जब मन ही नहीं है तो कोई दुख ही नहीं है,
मन है तो दुख, मन नहीं तो कोई दुख नहीं। उदाहरण दिया था एक दिन, सब समझ ले। जैसे गाढ़ी नींद, मन वहां शांत रहता है, कौन दुख रहता है? जाग रहे हैं तो जागृति काल में मान लो 10 लोग हैं, तो उस 10 लोगों में जागृति काल में किसी के यहां, किसी व्यक्ति के यहां शादी के 10-12 साल बाद पहला बेटा पैदा हुआ हो, उस आदमी को कितनी खुशी होगी? उछल रहा होगा, बड़ा आनंद मना रहा होगा। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का 12-15 साल का बेटा मर गया हो, अकेला हो, इकलौता बेटा मर गया, उस आदमी को कितना दुख होगा, कितना रो रहा हो, कितना व्याकुल होगा वह। किसी आदमी का लाखों की भीड़ में खूब स्वागत सत्कार सम्मान हुआ हो, उस आदमी के मन की खुशी का ठिकाना ना होगा, शांत से बैठा होगा। और उसी भीड़ में, हजार लाखों की भीड़ में किसी का घोर अपमान हो गया होगा, उसके मन की स्थिति क्या होगी? किसी व्यक्ति को व्यापार में 20-25 लाख का मुनाफा हो गया होगा, किसी व्यक्ति को व्यापार में 25 लाख का घाटा हो गया होगा। अब ये अलग अलग है, ऐसे और ले लो, लेकिन कल्पना करो सब व्यक्ति सो जाएं, सबकी गाढ़ी नींद लग गई, किसी को पता चलेगा कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, कि मेरा बेटा मर गया है, कि मेरा सम्मान हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, पता चले गाढ़ी नींद में? सब बराबर, वहां सहजता होगी क्योंकि सबका मन शांत हो गया है। जागृति है तो कोई बेटा शोक की मृत्यु के शोक से पीड़ित है, कोई बेटा पैदा होने खुशी से है, सब अलग अलग। जागृति काल में, सुसुप्ति काल में जब मन बिल्कुल विलीन हो चुका है, शांत हो चुका है, न दुख न सुख न हर्ष न शोक न हानि न लाभ, कुछ नहीं, बिल्कुल सब स्थिति, ये सहजता है। यहां विभिन्नता नहीं है, तो मन में पकड़ होती है, मन हमें संसार से जोड़ता है, और मन जब शांत हो गया तब हम अपने आप में रह गए। अपने आप में रह जाना ये सहज है, और इसका माध्यम ध्यान ही है, इसमें कोई दुख नहीं रह जाता है। समाधि, समाधि उसको साहब ने ध्यान और समाधि एक बात कही है, समाधि को और भी थोड़ा समझ लें। समाधि शब्द है, समाधि की व्याख्या की गई सम आधि। जब हम संधि भी करते हैं, जब समाधि का संधि विच्छेद करते हैं तो सम अलग हो जाएगा और आधि शब्द अलग हो गया। सम आधि, सम कह जाने कहते हैं समन हो जाने को, मिट जाने को, बराबर हो जाने को, खत्म हो जाने को, और आधि कहते हैं मन की पीड़ा को। जिस अवस्था में मन की सारी पीड़ा समाप्त हो जाए उस अवस्था का नाम है समाधि। कोई पीड़ा तो नहीं चाहता,
लेकिन जब तक मन चलता रहेगा पीड़ा रहेगी। अब मन शांत हो गया तो पीड़ा समाप्त। तो जिस अवस्था में मन में कोई पीड़ा ना हो, कोई क्लेश कुछ भी न रहा, मन वो दशा है समाधि की दशा। और हर आदमी ये चाहता है कि मैं एकदम पीड़ा मुक्त हो जाऊं, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, वृद्ध हो, ज्ञानी अज्ञानी कहलाने वाले हो, कौन पीड़ा चाहता है। इसलिए समाधि की आवश्यकता हर किसी को होती है। लेकिन ये जो समाधि है, जो ध्यान की बात है, ये अभ्यास काल के लिए होता है। अभी हम जैसे यहां बैठे थे एक घंटा चुपचाप शांत, कोई व्यवहार हमारे सामने नहीं था, लेकिन चौबीसों घंटे आदमी समाधि में तो बैठेगा नहीं। शरीर है, शरीर के साथ शरीर की आवश्यकताएं हैं, निर्वाह है, सेवा है, उस समय हम क्या करेंगे फिर। उस समय तो सोचना पड़ेगा ना, मन से काम लेना पड़ेगा, तब क्या होगा फिर। उसके लिए सहज साधना, सहज समाधि अभ्यास काल में जब अकेले बैठ जाते हैं या आंख बंद करते हैं तब सहज समाधि। जब चलते हैं, फिरते हैं, काम धाम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बात व्यवहार करते हैं, तब सहज साधना। सहज साधना क्या है? जो साधना हर जगह हर समय चल सके, हर स्थिति में चल सके, उस साधना का नाम है सहज साधना। ये होगी कैसे सहज साधना? गुरुदेव जी प्राय इस संबंध में कहा करते थे, रास्ता चल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई का भी काम कर रहे हो, मान लो भोजन बना रहे हो, भोजन खा रहे हो, अकेले बैठे हो, देखें अपने मन को कि मन क्या सोच रहा है। गलत तो नहीं सोच रहा है, विकारी बातें, बैर विरोध द्वेष विषय वासना की बातें तो नहीं सोच रहा है। यदि ऐसी बातें आ रही मन में, उनको हटाते जाएं, हटाते जाएं। ज्ञान की, विवेक की, दया क्षमा प्रेम आदि की बात, सही बात सोचें, ये सहज साधना है। आत्मचिंतन का काम करें, जो सुने हैं गुने हैं वो सब चिंतन का काम करें, मतलब ऐसा कोई चिंतन न करें जिससे मन के विकार बढ़े, मन उत्तेजना आ जाए। उत्तेजना हर्ष को उत्तेजना हो सकती है, शोक को उत्तेजना हो सकती है, मोह को उत्तेजना हो सकती है, बैर को भी उत्तेजना हो सकती है। मतलब उत्तेजना का मतलब है हलचल उत्पन्न हो जाना मन में। तो मन में कोई विकार को उत्तेजना, कोई गलत भावना आए, इस प्रकार का चिंतन, ये करते हैं तभी सहज साधना हो जाएगी। क्योंकि मन का काम है सोचना, बिना सोचे मन रहेगा नहीं, सोचना होगा। इसलिए अच्छा ये जो कहा गया ना, जैसे लोग, कल मैंने कहा था, आप लोगों ने देखा होगा,
कुछ लोग जब नहाते हैं, बाथरूम से निकलते हैं या कुएं पर नहाते हैं, नदी नहाते हैं, तो कोई मंत्र बुदबुदाते रहते हैं, कोई कोई ओम नमः शिवाय कहता रहता है, कोई राम राम कहता रहता है, कोई और कुछ कहता रहता है, क्योंकि ताकि मन विकारी बातें न सोचे। सारे मंत्र बराबर है, अच्छे चिंतन में मन को लगा कर रखना, इस सहज साधना, गलत चिंतन ना करने पर। इसी के लिए साहब ने जो पद में है, जो संतों सहज समाधि भली, उसमें जो साहब ने कहा है, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभुन छूटे ऐसी तारी लागी। ये दो पंक्तियां दिशा निर्देश है हमारे के लिए। ये दो पंक्तियां पर्याप्त है, हर जगह काम आने वाली। शब्द निरंतर मनवा राता, ये सहज साधना। अब मन ज्ञान के शब्दों में, आत्मचिंतन के शब्दों में, प्रेमपूर्ण शब्दों में कहता हुआ निरंतर राता, राता लीन हो जाना, डूब जाना। राता का अर्थ लाल भी होता है, लेकिन यहां राता का अर्थ डूबना है, लीन हो जाना है। साहब कहते हैं आत्मचिंतन के शब्दों में, ज्ञान के शब्दों में मन लीन हो गया है, अब दूसरे ही बात मन नहीं सोचता है। ये बहुत ऊंची बात है। कसौटी क्या है इसकी? और तो मैं भी कह सकता हूं जबान से कि मेरा मन दूसरी बात नहीं सोचता, और कोई दूसरा जानेगा भी नहीं। कसौटी क्या इसकी? मलिन वासना त्यागी। वासना तो सभी मलिन होती है, शुभ कोई वासना निर्मल नहीं होती। वासना तो वासना है, किसी भी प्रकार की वासना हो मलिन ही होगी, जो हमें भटकाने का ही काम करेगी। लेकिन शब्द यहां पर है मलिन वासना त्यागी। ज्ञान के शब्दों में मन लीन हो गया, यह तब समझना होगा जब मन से सारी वासनाओं का, मतलब सारे विकारों का, सारी गंदगी का त्याग हो जाए। दोनों काम एक साथ होंगे। जितना जितना मन ज्ञान के शब्दों में डूबता जाएगा, उतना उतना मन का विकार दूर होता जाएगा, जो गंदी वासनाएं हैं वासनाएं छूटती जाएगी। और जितनी जितनी वासनाएं छूटती जाएगी, उतना उतना मन ज्ञान शब्दों में डूबता चला जाएगा। दोनों काम एक साथ होते हैं। जैसे हमें यहां से रायपुर जाना है, हमने चलना शुरू किया, तो क्या होगा? जितना जितना हम इस आश्रम से दूर होते जाएंगे, उतना उतना रायपुर के निकट होते जाएंगे। कौन काम एक साथ हो रहा है? दूर होना पहले हो रहा है या निकट होना पहले हो रहा है? अगर सोचे, पहले हम इस आश्रम से दूर हो रहे हैं या पहले हम रायपुर के निकट हो रहे हैं, कौन काम एक पहले हो रहा है? दोनों साथ पहले हो रहा है ना, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अपने आप एक निकट होते चला जा रहा है और दूसरा दूर होते चले जा रहा है। ऐसे ही होगा, जितना ज्ञान के शब्दों में मलिन होगा, उतने वासना का त्याग होगा, जितने वासना का त्याग हो उतना मन ज्ञान में डूबेगा। और जब ये स्थिति आ गई, वासना सारी मलिन वासनाओं का, सारी गंदगी का त्याग हो गया, मन निरंतर ज्ञान शब्दों में आत्मचिंतन में लग गया, आत्मस्मरण में डूब गया, तब क्या होगा? उठत बैठत कभुन छूटे ऐसी तारी लागी। फिर ऐसी तारी, ऐसी समाधि लग गई कि जो उड़ते बैठते चलते फिरते खाते पीते कभी छूटती ही नहीं है। ये समाधि जब होगी ना, खाते समय भी समाधि, बात करते समय भी समाधि, काम करते समय भी समाधि,
रास्ता चलते भी समाधि, तब यहां जो समाधि लगाते हैं वो समाधि पूरी होगी। और खाते समय, बात करते समय, रास्ता चलते समय, काम करते समय समाधि नहीं लगी है तो ये समाधि लगने वाली नहीं है। तो खाते समय समाधि कैसे लगेगी, रास्ता चलते काम करते समाधि कैसे लगेगी, वहां तो काम कर रहे हैं हम, मतलब वो समाधि क्या है, मन की मलिनताओं का त्याग, मन के विकारों का त्याग, मन के कुचिंतन का त्याग। हमेशा मन सकारात्मक चिंतन में, आत्मचिंतन में, ज्ञान चिंतन में लगा हुआ है, वो समाधि है। चलते फिरते, खाते पीते के भी न छूटने वाली समाधि। व्यवहार काल में जितना जितना हमारा मन निर्मल होता जाएगा, मन के विकार, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जितने छूटते चले जाएंगे, उतना जब अभ्यास में बैठेंगे तब मन ठहरेगा, तब समाधि लगेगी। अब व्यवहार में उलझा हुआ है मन, राग में, द्वेष में, लोभ में, मोह में, तब यहां हम कितना भी बैठकर अभ्यास कर लें, अभ्यास पूरा होने वाला है नहीं। इसलिए पहले सहज साधना चाहिए, ये भी अभ्यास करें, जितना समय निकाल पाए, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अकेले बैठने का भी अभ्यास करें, लेकिन काम करते समय सहज साधना को साधने का काम करें। इतनी निगरानी रखें मन में, मन पर, कि मन भटकने ना पाए, गलत चिंतन करने ही ना पाए। जब मन में कोई गलत चिंतन नहीं होगा तो व्यवहार उलझेगा नहीं। जब गलत चिंतन ही नहीं होगा तो न लोभ होगा, न स्वार्थ होगा, न अहंकार होगा, न छल कपट होगा, न वैर विरोध होगा, व्यवहार कितना सुंदर बन जाएगा। मन में जब कोई विकार आता है, चाहे वो लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे स्वार्थ हो, अहंकार हो, छल कपट हो, कोई विकार आएगा व्यवहार गड़बड़ाएगा। अब व्यवहार गड़बड़ाएगा तो घर घर में कलह होना है, अपना उलझेंगे, दूसरों को उलझाएंगे, घर का वातावरण खराब करेंगे, अब मन तो बिगड़ ही गया, तो न पूजा काम आएगी, न भक्ति काम आएगी, न साधना काम आएगी। इसलिए जो सहज साधना है हर समय करने लायक है, और हर किसी को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, साधु गृहस्थ कोई हो, विद्यार्थी हो, दुकानदार हो, खेती हो करने वाला किसान हो, नौकरी करने वाला हो, व्यापारी हो, हर किसी के लिए सहज साधना काम लायक है। आखिर जितना अपने मन को विकारी बना बना कर, अपने मन को उत्तेजित कर करके तो हम दुखी हो रहे हैं, उलझे हुए हैं। अब मन में उत्तेजना नहीं है, मन में विकार नहीं है, मन शांत है, तो कौन सा दुख है। इससे व्यवहार का काम बढ़िया बनेगा। अन्य जो निर्वाह का जो काम है वह भी बढ़िया बनेगा, और हमारे साधना का, कल्याण का काम भी बढ़िया हो जाएगा। तो जो सहज साधना सहना है बहुत काम की चीज है। सहज साधना पश्चात ही तब सहज समाधि या सहज ध्यान की बात आती है। हर समय मन पर निगरानी रखना, पूरा निगरानी, और निगरानी रखने के लिए कोई ना कोई काम दो मन देना होगा मन को। भाई कहा, अच्छे विचार में मन को लगाकर रखो, कोई मंत्र ही है, कोई भी मंत्र जप लो, कोई भी नाम का जप करो, सब बराबर है। गड़बड़ी कहां होती है, जब कह ये दिया जाता है कि इस मंत्र को जपोगे, इस नाम को जपोगे तो तुम्हें ये फायदा हो जाएगा। हम भौतिक लाभ के लिए जब किसी मंत्र या नाम का जप करते हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं।
किसी मंत्र या किसी नाम के जप से भौतिक लाभ नहीं होगा, उससे मन में एकाग्रता आएगी, निर्मलता आएगी, उसके लिए करना। भौतिक लाभ के लिए तो, भौतिक विकास के लिए तो हमें कठोर मेहनत की आवश्यकता है। भौतिक लाभ लेना है तो खूब डूब करके मेहनत करें। तो जब नामजप के पीछे भौतिक लाभ बता दिया जाता है तो गड़बड़ी आदमी उसे मुहे उसके नाम तो जपता है लेकिन कोई चाहना रख करके, धन बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसके लिए गड़बड़ी हो जाती। और यदि आदमी सिर्फ मन को एकाग्र बनाने के लिए, मन की निर्मलता के लिए कोई नाम जपता है तो हर नाम सहायक हो सकता है। अच्छे विचार में मन, कोई नाम एक अच्छा विचार ही तो है, पकड़ है उसमें, लेकिन फिर भी व्यवहार कारण उसकी आवश्यकता है। तो सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समायो। सदगुरु कबीर कहते हैं सहज ध्यान में रहो, हर समय सहज, अहंकार छोड़ करके रहो। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच, समत सब ही समलखे, मानुष खाने के बीच। पनगंथी राम रहस्य साहब की साखी है, बहुत बढ़िया। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच। अपने पर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा हूं ये नीच है, ये मैं बड़ा हूं ये छोटा है। एकत्व सब ही समलख है, मानुष खाने के बीच, मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर में जो भी है सबको एक समान समभाव से देखे। आखिर सहजता में यही तो है ना। तो इस सहज, यदि हम इस सहजता को समझ सकें तो मनुष्य मनुष्य के बीच जो एक खाई बनती जा रही है, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, मत मजहब को लेकर, बुद्धि विद्या आदि को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर, ये खाई पट जाएगी। सुंदर भाईचारे का, प्रेम का व्यवहार होने लग जाएगा। और जब भाईचारा प्रेम का व्यवहार हो गया तो दुनिया में सब सुखी रहेंगे। अब जब सब सुखी रह जाएंगे तो सब अपना कल्याण का काम भी कर सकेंगे। इसलिए सहज रहना है, बाहर भी भीतर भी। मनसत्ता जैसी सहज है वैसे आत्मी आत्मा भी सहज है। दोस्तों जो सत्य है, जो हकीकत है, वो सहज ही है। अपनी सहजता जहां छोड़ते हैं वहां उलझ जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं और दुख पर दुख का भोग करते चले जाते हैं। दुख से नहीं, दुख सहन नहीं करना है, दुख से बचकर रहना है। तो भीतर भी सहज रहें और बाहर भी सहज रहें। जितनी सहजता जीवन में उतरती जाएगी उतना हमारा व्यवहार सुंदर होगा और उतना ही हम अपने आप को समझ करके कल्याण दिशा में आगे बढ़कर अपने कल्याण का काम भी कर सकेंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम्। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम्। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम्। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम्।